वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग में एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। जो चैप्टर आपका होगा वो डाइस का होगा, ठीक है? तो डाइस और पासा जो आपने सुना होगा हिंदी में, तो इसमें देखते हैं हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। चैप्टर है हमारा डाइस। डाइस आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा, ठीक है? तो ये चैप्टर हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। अब जैसा कि डाइस है, तो डाइस आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोगों ने डाइस देखा होगा। तो डाइस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो डाइस जो होता है आपका क्या होता है, एक तरीके से क्यूब के फॉर्म में होता है, क्यूब होता है, ठीक है? इस तरीके से आपका डाइस होता है कि नहीं, आप सब लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे और खेले भी होंगे लूडो। तो ये क्या है आपका, एक डाइस है। सपोज करिए वो जो डाइस होता है, तो हमेशा आप डाइस के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाइस के जब भी आपको फिगर में दिया रहेगा, तो डाइस में हमेशा आपको तीन सरफेस आपको पता होंगी, ठीक है? यानी कि जब आप फिगर में देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको जनरली तीन ही सरफेस आपको दिखाई देंगी, ठीक है? तो जैसे तीन सरफेस की बात करें, 1 2 3, ये तीन ही, कोई भी डायग्राम आपका अगर पासा का दिया होगा तो उसमें हमेशा आपको तीन ही पोजीशन उसकी डाइस की दिखती हैं। अब इसमें डाइस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डाइस का क्वेश्चन जो होता है, जैसे कि आपको हमेशा नंबर्स दिए होते हैं डाइस में, ठीक है? जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक होते हैं, आपको पता है। तो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अब उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस में, वो आपके अपोजिट पूछे जाते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को आपको दे दिया जाएगा, जैसे सपोज करिए ये थर्ड दे दिया है, तो आपको हो सकता है उसका अपोजिट पूछा जाएगा, ठीक है? तो जैसे सपोज के 2 दे दिया है, तो 2 का अपोजिट आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे 1 दे दिया, तो 1 का अपोजिट कौन सा लेटर, कौन सा आपका इसमें नंबर होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन डाइस में बनते हैं। अब देखिए, तो डाइस में ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाइस को समझ लेते हैं। तो ये कोई एक क्या है आपकी डाइस है। अब इस डाइस की अगर पोजीशन की बात करें, तो ये जो पोजीशन पोजीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट पोजीशन होती है, आप जानते हैं। और ये पोजीशन जो होगी वो क्या होती है, टॉप पोजीशन होती है, ठीक है? और ये जो पोजीशन होती है, ये क्या होती है, आप कह सकते हैं राइट पोजीशन है। ये क्या है, राइट पोजीशन है। और ये जो होती है नीचे वाली, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम, बॉटम पोजीशन, यानी कि निचली सतह, ठीक है? और ये टॉप, तो आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4, 4 मिल गई। अब ये वाली जो सतह होती है आपकी, ये सरफेस जो होती है वो क्या होती है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट होती है। अब इस फ्रंट के जस्ट पीछे वाली अगर आप देखेंगे, तो पीछे वाली सरफेस क्या होती है, ये जैसे आप देखेंगे तो ये इसके पीछे क्या होगी, बैक सरफेस होती है, ठीक है? तो जनरली आपके हमेशा क्या करोगे कि जब भी आपका पासा का आएगा, तो पासा में हमेशा 6 पोजीशन होती हैं, ठीक है? तो 6 पोजीशन से ही आपके नंबर्स दिए आएंगे, उन नंबर्स में आपको अपोजिट नंबर्स पूछा जाता है, ठीक है? तो ये तो हो गया पासा के बारे में। तो अब बात करते हैं कि जो डाइस होता है या पासा होता है, इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जनरली इसमें जो होते हैं आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? इन चारों टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे, और इस तरीके से कवर करेंगे, इन चारों टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, तो इन चारों टाइप से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट या चारों टाइप आपने अच्छे से देखे होंगे तो, ठीक है? तो चलिए फिर इसको शुरुआत करते हैं। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, आपके डाइस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो 4 टाइप्स में देखिए कौन कौन से टाइप के होते हैं। टाइप 1 में जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होगा, 1 फिगर गिवेन ओनली, यानी कि इस टाइप में क्या होता है, केवल आपको एक फिगर दिया जाएगा और उस एक फिगर से क्वेश्चन को आपको पूछा जाएगा, ठीक है? तो जैसे एक फिगर की अगर बात करें, तो क्या होगा, एक फिगर का मतलब क्या है आपका, एक पासा दिया जाएगा। जैसे एक पासा इस तरीके से आपका दे दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाएगा पासा, और उसमें आपको हो सकता है अपोजिट पोजिशन पूछा जाए या कुछ और भी पूछा जा सके, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एक एक फिगर दिया हो। टाइप 2 में क्या होगा, जब आपको 2 फिगर गिवन, यानी कि जब 2 फिगर आपको दिए जाएंगे, तो उस केस में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 फिगर का मतलब क्या है, आपके 2 डाइस
एक ही डाइस की दो पोजीशन आपकी दी जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी दो पोजीशंस को दिया जाएगा कि डाइस में इस तरीके से। तो टू फिगर्स पे, अब इस टू फिगर में आपके मे भी आपके क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। आप कह सकते हो कि जो पॉसिबिलिटी होती हैं क्वेश्चन बनने की, वो इसमें भी थ्री टाइप के होती हैं। तो थ्री टाइप की कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपका ओनली वन कॉमन हो, वन कॉमन ट्रिक, अभी आपको हम बताएंगे कि वन कॉमन ट्रिक और क्या होती है, ठीक है। और टू कॉमन ट्रिक, कॉमन ट्रिक, ये आप लिख लीजिए कॉमन ट्रिक, और ये थर्ड जो होता है नो कॉमन ट्रिक। तो ये क्या होती हैं, पॉसिबिलिटी होती हैं टाइप टू। टाइप टू में जो होती हैं आपकी तीन पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक कॉमन ट्रिक होती है इसमें, टू कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, ठीक है। अभी आप इसको लिख लीजिए, अभी आपको बताएंगे कि ये चीज़ क्या होती है। और टाइप थ्री में क्या होता है, जब आपको वेन मोर देन टू फिगर गिवेन, जब दो से ज़्यादा आपको फिगर दिए जाएंगे, तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, उसमें क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी देखेंगे। टाइप फोर में जो होता है वो आपके जनरली ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन आपको डाइस में हमेशा मिलते हैं। इन चार टाइप्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाए। अगर चारों टाइप पढ़े होंगे, कितना भी क्वेश्चन टफ क्यों ना बना दिया जाए, अगर आपने चारों टाइप पढ़े हैं तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे डाइस से, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको टाइप टू से शुरुआत करते हैं, पहले टाइप टू को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग और टाइप को पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग टाइप टू से स्टार्ट करते हैं। तो टाइप टू को हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्हेन ओनली टू फिगर गिवन, इसमें केवल दो फिगर ही आपको दिए जाएंगे। इसमें आपको देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इससे कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका जो पहला पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का, क्या हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन में ओनली वन कॉमन ट्रिक, ओनली वन कॉमन ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओनली वन कॉमन ट्रिक क्या होती है, तो जैसे आपके दो पोजीशन दे दी गई हैं एक ही पासे की, यानी कि एक ही डाइस की दो पोजीशंस को दिया गया है, इस पोजीशंस को दिया है, और इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको क्या बताना है, व्हाट इज द अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर ऑफ सिक्स, सिक्स फाइव टू, इस तरीके से आपको बताना है, या कह सकते हो चलो इतना ही मान लेते हैं, इसका हमको अपोजिट नंबर बताना है। तो देखिए वन कॉमन ट्रिक का मतलब क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जब भी आपका फिगर में एक ही डाइस की दो फिगर दी हों, दो डायग्राम दिए हों, तो उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जो भी आपका नंबर्स दिया होगा उन डाइस में, उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो नंबर आपका कॉमन होगा, दोनों डाइस में जो नंबर कॉमन होगा उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए इन सब में कौन सा नंबर कॉमन है, तो हमने देखा कि फाइव नंबर इसमें भी कॉमन है और फाइव नंबर इसमें भी है, तो इन दोनों में क्या नंबर आया कॉमन, ये आया। तो जो नंबर आपका कॉमन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डाइस की दोनों पोजिशंस दी होती हैं, एक ही डाइस की दो पोजिशन दी होती हैं, उसमें न सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा नंबर आपका जो है इसमें कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन होगा उसको हम लोग बेस मान देंगे, जैसे इसमें और इसमें देखिए फाइव कॉमन आ रहा है दोनों डाइस में, तो इसको हमने लिख लिया फाइव, ठीक है। अब इसमें सपोज करिए इसका अगर नंबर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फाइव वन थ्री, फाइव वन थ्री, इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद क्या करने किया हमने, फाइव जो कॉम बेस था उसको लिखने के बाद फिर उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सारे नंबर्स को लिखना है। जैसे क्लॉक वाइज का मतलब क्या है, जिस तरीके से घड़ी आपकी रोटेट करती है, इस तरीके से आपको लिखना है फाइव से। अब यहाँ पे देखिए ये फाइव है, अब इसको अगर क्लॉक वाइज से लिखना है तो इसका नंबर फिर कौन सा आएगा, फाइव के बाद टू, तो फाइव के बाद हमने क्या किया टू लिया, और टू के बाद फिर क्या आएगा सिक्स आएगा, टू सिक्स, इस तरीके से आपको नंबर्स को लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद अब क्या होगा, जो आपका नंबर इसके होगा अपोजिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, थ्री सिक्स के अपोजिट नंबर होगा, ठीक
तो 3 क्या होता है, 6 के अपोजिट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 6 का अगर अपोजिट पूछा जाए तो 3 कह सकते हो, या 3 का अपोजिट पूछा जाए तो 6 कह सकते हो, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अगर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या कह सकते हैं 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट देखिए क्या होगा, आपका कौन सा नंबर इसमें आपको नहीं दिख रहा है, जो नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा वही आपका बेस वाले का अपोजिट होगा। तो देखिए इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6 तक देखिए 1 2 3 4 नहीं दिख रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा, 4। तो हम कह सकते हैं कि 5 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वन ट्रिक मेथड से। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को और लेते हैं, और भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को और सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब दो फिगर आपको दिए जाएंगे तो दो फिगर में सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि इन दोनों फिगर में सबसे कौन सा नंबर आपका कॉमन है, जो नंबर कॉमन होगा उसको हम लोग बेस मान के लिख लेंगे। देखिए इसमें इसमें डाइस में दोनों पोजिशंस में किस कौन सा नंबर आपका कॉमन है, तो आपने देखा कौन सा नंबर हो जाएगा, 2, तो 2 हमने लिख लिया। अब इस डाइस को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे नंबर्स को लिखेंगे। 2 के बाद फिर क्या आएगा, 3, 3 को लिख लिया। 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 को लिख लिया। अब इस डाइस में आएंगे तो डाइस में क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिख लिया। 2 के बाद क्लॉकवाइज करेंगे, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आएगा, फिर 6 आएगा, तो 1 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड अपोजिट नंबर ऑफ 5, 5 का अपोजिट आपको बताना है। तो देखिए आपका अगर 5 का देखते हैं तो इसमें देखिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, और 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें जो 5 आपका नंबर नहीं दिख रहा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा आपका 2 नंबर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, तो सारे नंबर्स को आप बता सकते हैं कि किसके अपोजिट कौन सा नंबर दिया होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक दूसरे तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, कि आपको ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3 एंड 6। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 और 6 का अपोजिट आपका नंबर कौन सा होगा, तो आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों फिगर्स देखेंगे कि आपका क्या है, सेकंड टाइप का है और सेकंड टाइप में कौन सा है, ये देखेंगे कि कौन सी कॉमन ट्रिक देखेंगे, कॉमन ट्रिक केवल एक होनी चाहिए, तो एक होने के लिए कि देखते हैं कि नंबर्स को कितनी, 6 यहाँ पे भी आया और 6 यहाँ पे भी आया, तो हमने देखा आपकी क्या है, ओनली 1 नंबर कॉमन आया, तो हम कह सकते हैं कि ओनली 1 कॉमन ट्रिक इसमें लगेगी। तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे नंबर को लिखेंगे। 6 के बाद क्या आ जाएगा, 1, 1 के बाद 3, अब इसमें देखेंगे तो 6, 6 के बाद फिर कौन सा आएगा, 4, फिर क्या आएगा आपका, 5, ठीक है, तो आपने देखा तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर आपका यहाँ पे यूज नहीं हुआ होगा, देखो 1, 2 नहीं यूज हुआ तो 2 होगा यहाँ पे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो हम बता सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या है आपका, 5, या 5 का अपोजिट 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपोजिट है नंबर। 6 का अगर बताना है तो 6 का क्या हो जाएगा, 2, तो 2 हो जाएगा, या 2 को पूछा जाए तो 6 अपोजिट हो जाएगा, तो ये इनके आंसर हो गए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वन कॉमन ट्रिक का अगर क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें केवल एक नंबर कॉमन दिया होगा, वो तो नंबर्स को इस तरीके से लिख लेना है, और लिखने के बाद आपका जो लिखेंगे वही आपका कॉमन ट्रिक से आपका क्वेश्चन अपोजिट बता देगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं कि इन ओनली वन कॉमन ट्रिक से क्वेश्चन को और पूछने के तरीके क्या हो सकते हैं। चलिए फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक क्या था, आपके नंबर्स दिए होते थे, अब क्वेश्चन में आपको डाइस में कोई जरूरी नहीं कि आपको नंबर्स ही दिए हों, कुछ और भी आपको अल्फाबेट भी दे सकता है, या अल्फाबेट की जगह पे आपको क्या हो सकता है,
सिंबल से भी यूज कर सकता है, सिंबल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसमें क्या बताना है, व्हाट इज अपोजिट अपोजिट ऑफ बी एंड एफ, बी और एफ का अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी दो आपको फिगर दिए जाएंगे तो दोनों फिगर में सबसे पहले कॉमन ट्रिक देखेंगे, वन कॉमन ट्रिक आ रही है या, तो देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है दोनों में, आपको बी दिख रहा है। तो जैसे ही इस फिगर में आपको बी दिखा है तो बी फिगर दिखने पे क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बी, बी के बाद क्या लिखेंगे ई, और ई के बाद क्या लिखेंगे ए, ऐसे ही इसमें है तो बी, बी को कॉमन लिखे बेस मान के, बी के बाद फिर क्या आएगा क्लॉकवाइज में डी, डी के बाद क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज में एफ, इस तरीके से। तो आपको क्या बताना है, अपोजिट, अपोजिट बताना है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या लेटर एफ तक यूज हुए हैं यानी कि सिक्स, तो क्या क्या यूज हुए होंगे सारे लेटर्स, ए बी सी डी ई एफ, यही लेटर आपके यूज हुए होंगे इन डैश को बनाने में। तो देखिए अगर आपका क्या दिया है, आपका ई दिया है, ई के अपोजिट क्या दिया गया है डी दिया है, और ए के अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो लेटर आपका इसमें यूज नहीं हुआ वही क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा उसका अपोजिट, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर देखिए ई भी हो गया और डी भी हो गया, ए भी हो गया और एफ भी हो गया, क्या बचा है बी, बी ये है और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी के अपोजिट हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा ए, ऐसे ही आपको पूछ सकता था कि सी के अपोजिट बी या बी के अपोजिट सी कह सकते हो, या ए के अपोजिट एफ या एफ के अपोजिट ए कह सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का ही क्वेश्चन आपका दिया गया, किस तरीके से और पूछ सकता है क्वेश्चन को ऑप्शन से। देखिए आपको एक ही डाइस की दो पोजीशन को दे दिया गया है, क्या है ये, एक ही डाइस होती है, ठीक है, इस एक ही डाइस की दो पोजीशन को दिया गया है, और आपको क्या पूछा है फाइंड द थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस, कि आपकी डाइस की जो थर्ड पोजीशन होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें क्या करना है आप यह हमेशा ध्यान रखिए, एक नोट के देखिए इसमें क्या होता है, एक नोट आप याद रखिए, क्या नोट याद रखेंगे कि दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छिपेंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए जैसे सपोज करिए आप अगर अपोजिट नंबर इसका अगर निकालना चाहेंगे तो अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने वन कॉमन ट्रिक से देखा है, तो सबसे पहले वन कॉमन ट्रिक से देखें कौन सा नंबर आपका कॉमन आ रहा है इसमें, टू, तो टू नंबर कॉमन आने पे इसके अपोजिट लेटर को सबसे पहले लिख लेते हैं, तो टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद वन, और इसमें टू के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, ये लेटर हैं, तो हम कह सकते हैं वन के अपोजिट फाइव, थ्री के अपोजिट फोर, और टू के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो टू के अपोजिट हो जाएगा आपका सिक्स, यही होगा। तो आप देखिए हमने क्या बताया नोट में, कि दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखेंगे ना तो एक साथ छिपेंगे, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपका थ्री अपोजिट फोर है, तो थ्री अपोजिट फोर इस फिगर में हमेशा आपको एक ही, जब भी दो डाइस दी होंगी तो उसमें क्या होगा, दो या तीन कितनी भी डाइस दी होंगी अगर अपोजिट लेटर होगा तो अपोजिट लेटर हमेशा एक ही आपको दिखेगा। ठीक है, एक समय में एक ही दिखेगा, और जैसे फोर अगर दिख रहा है तो थ्री आपको नहीं दिखेगा, अगर सपोज करिए थ्री दिख रहा है तो फोर आपको नहीं दिखेगा इस किसी भी पोजीशन में। ठीक है, ऐसे अगर छिपने की बात करें तो फोर अगर छिपा है तो थ्री आपको दिखेगा, और थ्री दिखा छिपा है तो फोर दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक है, तो वो अपोजिट लेटर हमेशा एक समय में एक ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी फिगर्स आपकी इसकी दी गई होंगी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपोजिट लेटर लिखें, अपोजिट नंबर लिखेंगे, और अपोजिट नंबर से हम लोग ये देखेंगे अगर पोजिशन दोनों इसमें अपोजिट वाली पोजिशन दिखती है डाइस में तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक समय में एक ही आपको दिखेगा अपोजिट लेटर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट 1 2 6, तो 1 2 6 में देखिए 2
सिक्स के अपोजिट है, तो हम देख कह सकते हैं कि टू सिक्स के अपोजिट का मतलब है आपका एक समय में एक ही दिखना चाहिए। तो देखिए इस फिगर में आपका टू और सिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या है, ये नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें देखिए थ्री फोर, और देखिए इसमें थ्री और फोर ये भी क्या है, अपोजिट है नंबर, तो अपोजिट में आपके दोनों अपोजिट नहीं दिखने चाहिए, कोई एक दिखना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपका इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, थ्री फाइव यानी कि वन वन फाइव, देखिए इसमें वन और फाइव ये अपोजिट लेटर है, सॉरी अपोजिट नंबर है, तो इसमें देखिए अपोजिट ये भी मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए थे, तो इसकी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फाइव के अपोजिट क्या है, वन, तो इसमें ये नहीं होगा। फोर के अपोजिट क्या है, थ्री, थ्री भी नहीं दिख इसमें है। सिक्स के अपोजिट क्या है, टू है, तो ये भी नहीं, तो कई कौन सा ऑप्शन बचा आपका, डी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्या किया जाए, दो पोजिशन दी जाएंगी पासे की, और उस पासे में अगर ऑप्शन फिगर पूछा जाए, थर्ड पोजिशन पूछी जाए या फोर्थ पोजिशन पूछी जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर्स के अपोजिट्स लिखेंगे और उन अपोजिट्स को देखेंगे कि जो भी फिगर में दिया है वो दोनों अपोजिट्स तो आपको एक साथ तो नहीं दिए हैं, अगर एक साथ दिए हैं तो वो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस टाइप क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए और देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग देखेंगे कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका क्या होता है, पूछ सकता है। देखिए क्या होता है, आपको एक ही डाइस की दो पोजीशन दी गई है, और इस पोजीशन में आपको क्या है, थर्ड जो पोजीशन दी गई है, थर्ड जो फिगर दिया गया है आपका, उसमें आपको क्या बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यानी कि इस सरफेस पे, इस सतह पे कौन सा नंबर होगा, इस ये ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन के, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, दो पोजीशन डाइस की दी गई हैं, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग अपोजिट नंबर निकालेंगे, तो अपोजिट नंबर आप लोग निकालना सीख चुके हो। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉमन ट्रिक, इन दोनों में कौन सी कॉमन चीज़ आ रही है, तो कौन सा नंबर आ रहा है, सिक्स इसमें आ रहा है, सिक्स इसमें आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सिक्स और सिक्स के बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के नंबर लिख देंगे, फिर थ्री और इसमें सिक्स फोर और वन, तो हमने देखा कि थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा, वन, टू के अपोजिट फोर, और सिक्स के अपोजिट क्या आ जाएगा, फाइव, क्योंकि फाइव नहीं दिया, तो ये हमने अपोजिट नंबर लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आपका होगा, ये ऑप्शन से बताना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट लेटर को हमने निकाल लिया है, देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी मेथड से करेंगे कि एक साथ आपका दो नंबर्स अपोजिट नहीं दिख सकते हैं, या दो एक साथ आपके नहीं छिप सकते हैं अपोजिट। तो देखिए इसमें भी अगर हमको देखेंगे कि फाइव आपका दिया गया, ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो आपका अगर वन देखा जाए ऑप्शन में, तो वन जो है आपका इसमें दिया है, तो वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, वन का अपोजिट थ्री आपका दिया गया है। ठीक है, तो थ्री का मतलब क्या है आपका, थ्री यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वन दिया है, अगर वन का थ्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ दो हो जाएंगे, तो इसका नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा। थ्री का अगर देखेंगे तो थ्री का अपोजिट भी वन है, तो ये भी एक जस्ट वही उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा। फोर देखिए, फोर क्या करेंगे, अगर फोर का अपोजिट हम लोग निकल लेंगे, तो फोर का अपोजिट क्या है, टू दिया है, टू अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अगर फोर रखते हैं तब भी आपका क्या होगा, टू यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो कहने का मतलब आप रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। अगर सपोज करिए सिक्स अगर यहाँ पे रखते हैं, तो सिक्स रखने पे क्या हो जाएगा, सिक्स का अपोजिट आपको फाइव दिख रहा है, तो सिक्स का अगर रखते हैं तो ये अपोजिट दिख जाएगा फाइव और सिक्स, तो हम कह सकते हैं ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर का ये आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि दो नंबर जब अपोजिट होते हैं तो वो एक साथ नहीं दिखेंगे और न ही एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा। सिक्स आज कर लिए हैं और हम लोग आज इतने ही रखते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में
और भी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं और नेक्स्ट में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।